अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स बार बार व्हाट्सएप पर जाके एक ही सवाल पूछते हैं, क्याद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्प्रिंग एडमिशन कब ओपन होंगे। इसके हवाले से स्टूडेंट्स आपको आइडिया दूंगा इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम एडमिशन की, स्कॉलरशिप की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स क्याद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्प्रिंग एडमिशन के हवाले से बात करें तो फॉल एडमिशन इसके जो है वो काफी लेट क्लोज हुए हैं, क्योंकि इसके एफएससी के रिजल्ट के आने के बाद इसके डी फार्मेसी और एलएलबी के एडमिशन क्लोज हुए हैं। तो इसके जो स्प्रिंग एडमिशन है वो बाकी यूनिवर्सिटी के जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके अराउंड अबाउट ही इसके एडमिशन स्प्रिंग के ओपन होंगे। मेरा अबाउट उम्मीद है कि जनवरी में जाके इसके स्प्रिंग एडमिशन का आगाज होगा। क्याद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का बी एस में भी एडमिशन ओपन होंगे और एम फिल में भी होंगे। अब स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि इस एलएलबी में होंगे या इस प्रोग्राम में होंगे, उसमें होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जब एडमिशन ओपन होंगे तो उसी वक्त ही पता चलेगा कि किन किन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ओपन होते हैं। मैं आपको 100% कंफर्मेशन के साथ ये नहीं कह सकता कि इस डिपार्टमेंट में होंगे और इसमें नहीं होंगे। होंगे सही, ये जो है वो डिपेंड करता है कि उनके शेड्यूल पे कि वो किन किन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ओपन करते हैं। फॉल एडमिशन तो तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट ओपन होते हैं, लेकिन स्प्रिंग का जो है वो स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी इसके एडमिशन की अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।